आज से स्टार्ट करेंगे हम ईडियम फ्रेजेस और सिनोनिम्स हमारे चल ही रहे हैं। तो सिनोनिम्स आपको याद करने का तरीका आप काफ़ी हद तक पता चल गया है, कैसे याद करना है उसकी भी वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं आज से ईडियम फ्रेजेस। ठीक है, सबसे पहला आपका जो ईडियम है वो है अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड जैसे क्लाउड यानी कि होता है बादल, बादल के अंदर अगर कोई चीज़ छुपी होगी तो आप उसको देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। आप किसकी स्थिति में रहोगे? संदेह की स्थिति में आप रहोगे अगर कोई चीज़ अंडर अ क्लाउड है। ठीक है, तो इसका आपको ईडियम का आंसर मिल जाएगा अंडर सस्पिशियन, यानी संदेह की स्थिति में होना। अंडर अ क्लाउड, अंडर सस्पिशियन। अगला देखना, फ्लॉगिंग डेड हॉर्स। फ्लॉगिंग यानी होता है मारना, मरे हुए घोड़े को मारना। अगर कोई घोड़ा मर गया और अगर आप उसको मार रहे हो तो क्या वो जग जाएगा क्या? नहीं जगेगा। इसका मतलब क्या है? आप व्यर्थ का प्रयास कर रहे हो। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट, अपना टाइम खराब करना। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, इसका मतलब क्या है? अपना काम खराब करना। अगला मीनिंग देखना, लुक डाउन अपॉन। ठीक है, लुक यानी दिखना होता है वैसे तो, लेकिन ये लुक डाउन अपॉन, ये इसके साथ प्रीपोजिशन भी आ रही है, इसका मतलब होता है अपमान भरी निगाहों से देखना। ठीक है, तो इसमें से देख लेना कौन सा मीनिंग आपको लग रहा है। रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट यानी क्या होता है? निंदा पूर्वक देखना। सिंपेथाइज यानी क्या होता है? सहानुभूति दिखाना। ठीक है, हेट कहने यानी, हेट मतलब क्या होता है? नफरत करना। ठीक है, और इनडिफरेंट यानी उदासीन हो जाना, और रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट यानी अपमान भरी निगाहों से देखना या निंदनीय नज़रों से देखना। अगला है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक इसका मतलब है कि आपको ऐसे याद कर सकते हो उसको कि म्यूजिक है बहुत तेजी से लाउड लाउड बज रहा है आपके कानों में, तो आपको एक प्रकार से पनिशमेंट मिल रही है। तो इसका मतलब हो जाता है पनिशमेंट मिलना। गेट रिप्रमाइंडेटेड, इसका मतलब क्या होता है? आपको सजा मिलना, पनिशमेंट मिलना। फेस द म्यूजिक यानी पनिशमेंट को सहना। ठीक है, गेट रेप्रिमाइंडेड। अगला देखना टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक, टोकन स्ट्राइक का मतलब होता है एक वार्निंग देना किसी को कि हम देखो आप हमारी शर्तें मान लो, अदरवाइज हम टोकन स्ट्राइक करेंगे, मतलब पहली ऐसी स्ट्राइक करेंगे जो केवल आपके लिए वार्निंग होगी। इसमें से देख लेना आप, इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग। अगला देखना फेल फॉल ऑफ। फेल फॉल ऑफ का मतलब होता है मुसीबत में फंस जाना। ठीक है, फॉल यानी होता है गलती। फेल फॉल ऑफ हिम, इसका मतलब हो जाएगा गेट इनटू ट्रबल विथ, समस्या में पड़ जाना किसी। नेक्स्ट देखना बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है रुक रुक कर, और रुक रुक कर बोलते हैं हम उसको इररेगुलरली। ठीक है, इररेगुलरली यानी क्या होता है? रुक रुक कर करना। ठीक है, फ्रिक्वेंटली यानी भी क्या होता है? रुक रुक कर करना। इनफ्रिक्वेंटली, सॉरी, इनफ्रिक्वेंटली यानी क्या होता है? रुक रुक कर, और इररेगुलरली यानी भी क्या होता है? रुक रुक कर। ठीक है, अगला देखना एनफ रोप यानी पर्याप्त रस्सी। पर्याप्त रस्सी, एनफ रोप। अगर मैं आपको एनफ रोप दे दूं तो आप पढ़ाई नहीं करोगे, मतलब आपको बहुत ज्यादा स्वतंत्रता मिल जाएगी। एनफ रोप यानी क्या होता है? पर्याप्त स्वतंत्रता मिल जाना। इसमें देख लेना कौन सा हो जाएगा इसमें से, मेनी डायरेक्टिव्स नहीं, सफिशियंट एडवाइस नहीं, ऑल द मटेरियल नहीं, एनफ फ्रीडम। ठीक है, तो एनफ फ्रीडम, एनफ रोफ का मतलब हो जाएगा एनफ फ्रीडम। ऑल एट सी, अगर आप बीच समुद्र में फंस जाओ तो आपको चारों तरफ क्या दिखाई देगा? समुद्री समुद्र। फिर आपको कहाँ पर जाना है तो आप नहीं समझ पाओगे, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो एल ऑल एट सी का मतलब होता है कन्फ्यूज हो जाना। ठीक है, या परेशान हो जाना, इसका हो जाएगा ये पजल्ड। ठीक है, या कन्फ्यूज भी होता है इसका एक और मीनिंग क्या होता है ऑल एट सी का? कन्फ्यूज। ठीक है, कन्फ्यूज भी होता है। स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट यानी होता है व्यापक रूप से समझाया हुआ स्टेटमेंट। कोई भी कथन है अगर हम अच्छे से उसको समझा दें, साफ सुथरे तरीके से समझा दें, तो वो क्या होता है? स्वीपिंग स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। ठीक है, अगला देखना हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर यानी होता है अस्त व्यस्त। जैसे कि अगर कोई बिग बॉस देखता है तो बिग बॉस में वो टास्क करते हैं, उसके बाद पूरा सामान कैसा हो जाता है उनका? हेल्टर स्केल्टर। ठीक है, जैसे कि कभी पिक्चर देखने जाते हैं अपन, पहले जब हम जाते हैं हॉल के अंदर तो हॉल की सीटें बढ़िया मस्त दिखती हैं, कमरे अच्छे से दिखते हैं, रूम अच्छा सा दिखता है। उसके बाद जैसे ही पिक्चर ख़त्म हुई फिर कैसा हो जाता है रूम का माहौल? हेल्टर स्केल्टर। सब इधर कहीं चिप्स के पैकेट पड़े हैं, कहीं बोतलें पड़ी हैं, सीटें टूट गई, ये सब हो गया ऐसा ऐसा। तो इसका मतलब क्या होता है? इन डिसऑर्डरली हास्ट, मतलब बिखरा हुआ पड़ा होना। ठीक है, डिसऑर्डरली यानी क्या होता है? ऑर्डरली यानी अच्छे से रखा होना, और डिसऑर्डर यानी, डिसऑर्डरली यानी क्या होता है? ऐसे अस्त व्यस्त पड़ा होना।
अगला देखना, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब होता है दिन दुनी रात चौगनी, यानी बहुत ही तीव्र। और बहुत ही तीव्र को मतलब बोलते हैं रैपिडली, रैपिडली यानी क्या होता है, जल्दी जल्दी होना, ग्रोथ होना किसी चीज़ की, जल्दी जल्दी होना। जैसे आप आई विश यू गेट सक्सेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब आप कैसी सक्सेस प्राप्त करो, दिन दुनी रात चौगनी यानी रैपिडली। हरकुलियन टास्क, हरकुलियन यानी होता है हल्क, हल्क से याद कर लो, हल्क का टास्क, हल्क का टास्क क्या होता है, कठिन कार्य, बहुत बड़ा कठिन कार्य। तो इसमें से देखना कौन सा हो जाएगा कठिन टास्क, अ वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट, एक ऐसा कार्य जिसमें बहुत ज़्यादा हमें ताकत लगानी पड़े, बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़े, यानी कठिन टास्क, डिफिकल्ट टास्क भी बोलते हैं। गॉट द शेक, इसको पढ़ के देख लो, माई क्लोज फ्रेंड गॉट द शेक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली, इसका मतलब है कि उसका दोस्त डिसमिस हो गया था पहली जॉब से। गॉट द शेक या गेट द शेक, इसका मतलब होता है डिसमिस्ड हो जाना, ठीक है, डिसमिस्ड हो जाना, बर्खास्त हो जाना। आई कैन नो लॉन्गर पुट अप विथ, पुट अप विथ का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, टॉल रेट करना, यह होता है एंड्यूर करना, एंड्यूर यानी भी क्या होता है, बर्दाश्त करना। इन अ टाइट कॉर्नर, नहीं बोलते उसकी सिचुएशन बड़ी टाइट है, टाइट कॉर्नर में है, मतलब वो क्या है, डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, इन अ टाइट कॉर्नर यानी डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। अ वाइल्ड गूस चेज, गूस एक बत्तख होती है और वो इतनी तेज भागती है कि दिख मतलब उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता। तो अ वाइल्ड गूस चेज, चेज यानी क्या होता है, पीछा करना, एक जंगली बतख का पीछा करना, ये क्या है, एक फ्रूटलेस फर्टाइल सर्च, फर्टाइल यानी कोई मतलब का नहीं है, यूजलेस सर्च है, फालतू की मेहनत करना, ये वैसे ही है फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स की तरह, यूजलेस सर्च भी इसको बोलते हैं, कई बार आएगा आगे, ठीक है। डज नॉट होल्ड वाटर यानी कोई लॉजिक ना होना, डज नॉट होल्ड वाटर यानी कोई भी लॉजिक नहीं होना, कोई ऐसी पिक्चर अपन देखा था इसका कोई लॉजिक ही नहीं निकलता, तो वो कोई साउंड रीजनेबल नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी वैल्यूड या डज नॉट, हाँ इसका इसका मतलब हो जाएगा डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, तार्क ना होना, जो हमारी उम्मीदों पर खरा ना उतरना, डज नॉट होल्ड वाटर। अगला देखना, ऑन द कफ, ऑन द कफ यानी होता है ऋण ले लेना, इसको देखो पूरा ही पढ़ के देखोगे आप तो, राज कुडंट पे द बिल सो ही आस्क्ड द ओनर टू पुट इट ऑन द कफ, यानी ऑन क्रेडिट, जब भी आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हो, मतलब आप बैंक से ऋण ले लेते हो, आपके पास पैसे भी नहीं है तो भी आपको क्रेडिट मिल जाता है, यानी ऋण मिल जाता है। आउट एंड आउट यानी होता है टोटली पूरी तरह से, चहुमुखी इसमें दिया हुआ है लेकिन चहुमुखी नहीं, पूरी तरह से, टोटली, आउट एंड आउट का मतलब क्या होता है, टोटली। अगला देखना, अ वाइट एलिफेंट, अ वाइट एलिफेंट, अगर एक आप सफ़ेद हाथी खरीद लो, सबसे पहले तो ये कितना भारी है, उसको आपको खूब खिलाना पड़ेगा, दूसरी बात बहुत महंगा भी आएगा। तो अ वाइट एलिफेंट एक ऐसी वस्तु जो बहुत महंगी भी हो और बहुत ज़्यादा परेशान भी करती हो, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो, कॉस्टली या कोई परेशान करने वाली वस्तु, पजेशन। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर यानी होता है ऑनेस्ट, ईमानदार, ईमानदार लोग, ठीक है, इसमें से देख लेना, ऑनेस्ट, ये इसका आंसर रहेगा, फेयर एंड स्क्वायर यानी क्या होता है, ऑनेस्ट। नेक्स्ट मीनिंग देखना, नो लव लॉस्ट बिटवीन, ठीक है, इसका मतलब होता है नॉट इन, नॉट ऑन गुड टर्म्स, नो लव लॉस्ट बिटवीन, मतलब कोई भी क्या नाम है, कोई भी प्यार मोहब्बत ना बचना, तो इसका मतलब हो जाएगा नॉट ऑन गुड टर्म्स, ठीक है, अच्छे रिश्ते ना होना। प्लेड हैवॉक, हैवॉक यानी होता है विध्वंस कर देना, तो प्लेड हैवॉक यानी विध्वंस कर देना, इसमें देख लो विध्वंस का कौन सा मीनिंग है, हार्डशिप होता है, नहीं, फ्लड यानी बाढ़, डिसीज यानी बीमारी, डिस्ट्रक्शन यानी क्या होता है, विनाश कर देना, तो प्लेड हैवॉक का मतलब हो जाएगा कॉस्ट डिस्ट्रक्शन। अगला देखना, ग्रीन थंब, ग्रीन थंब जिसका अगर हरा अंगूठा हो गया, मतलब वो पेड़ पौधे ज्यादा उगाता है, ठीक है, तो ग्रीन थंब का सिस्टम किससे, पेड़ पौधे उगाने से, तो इसमें से देख लेना जरा, ठीक है, प्लांटेड ग्रीन वन आर्टिस्टिक टू टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, जो अगर गार्डनिंग करेगा तो पेड़ पौधे उगाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, गार्डनिंग। तो ग्रीन थंब यानी गार्डनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, जिसका अंगूठा ग्रीन है वो गार्डनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। अगला देखना, टुक टू हील्स, टुक टू हील्स का हील्स यानी क्या होता है, एड़ी, और टुक यानी होता है उठाना या ऊपर ले जाना, ठीक
ठीक है, तो टुक टू हिल्स का मतलब होता है भाग जाना, रन अवे इन फियर, डर की स्थिति में भाग जाना, टुक टू हील का मतलब होता है। हार्ड एंड फास्ट यानी होता है कठिन रूल, स्ट्रिक्ट रूल। हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट रूल। जैसे कि आजकल ग्वालियर में जाओगे ना, तो हेलमेट लगाने का रूल क्या है उनका? हार्ड एंड फास्ट है, यानी क्या है? स्ट्रिक्ट है। ऑफ एंड ऑन यानी होता है कभी कभार, ऑफ एंड ऑन यानी क्या होता है? कभी कभार, ठीक है। फ्रिक्वेंटली यानी होता है बार बार, रेयरली यानी बहुत कम, ओकेजनली यानी होता है कभी कभार, अवसर पर, और समटाइम यानी होता है कभी कभी। दोनों में अंतर है, कभी कभी और कभी कभार, तो इसका हो जाएगा ओकेजनली हो जाएगा। देखना, कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड यानी होता है रिवेंज के रूप में लिया गया खून, ठीक है। तो ये हो जाएगा अ मर्डर डन इन रिवेंज में, कोल्ड ब्लड मर्डर किया गया हो, मतलब सोची समझी साजिश करके। और सोची समझी साजिश कौन करता है? जो बदला लेने की भावना रखता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लड। गोइंग प्लेसेस, गोइंग प्लेस का मतलब होता है सफल हो जाना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। ड्रू ऑन हिज फैंसी, फैंसी यानी होता है कल्पना, ठीक है, अपनी कल्पना को बढ़ाना। तो किसका यूज हो जाएगा इसमें? यूज हिज इमेजिनेशन, इमेजिनेशन यानी भी होता है कल्पना। पे थ्रू हिज नोज, मतलब अपनी नाक से चुकाना, मतलब इतना सारा पैसा कि वो आपके पैरों से लेके आपकी नाक तक का हो जाए, इतना सारा पैसा आपको चुकाना है। मतलब क्या चुकाना है? बहुत सारा अमाउंट आपको पे करना है। तो क्या हो जाएगा? पे ह्यूज लोन्स, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा आपको पैसे चुकाना, लोन से नहीं कहता, जो लोन से ना आप पैसे लेते हो लोन, ठीक है, वही लोन है। तो पे ह्यूज लोन, बहुत सारा पैसा चुकाना। रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स, लॉरेल यानी होता है सम्मान। इसको देखना जरा, वेरी एम्बिशियस पीपल डू नॉट लाइक टू रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। लॉरेल्स जो एम्बिशियस लोग होते हैं ना, वो कभी भी अपनी कामयाबी पर नहीं रुकते, बढ़ते ही जाते हैं आगे चल के। इसका मतलब है वो कैसे होते हैं? इम्पेशेंट होते हैं, अधीर होते हैं, मतलब उन्हें धैर्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर एक बार यूपीएससी निकल गया तो फिर और निकालेंगे, फिर और निकालेंगे, फिर और निकालेंगे, और फिर करेंगे क्या? फाइनली जाके कुछ नहीं, सारी संपत्ति दान कर देते हैं। अगला देखना, अ पीस ऑफ वंस माइंड। अ पीस ऑफ वंस माइंड का मतलब होता है गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है डांटना, फटकारना। तो क्या हो जाएगा? रेप्रीमाइंड, ठीक है, रेप्रीमाइंड हो जाएगा इसका मतलब डांट लगाना। स्टेव ऑफ, स्टेव ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन। इसको आप पढ़ के देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। द पार्टी हाई कमांड वॉन्टेड टू स्टेव ऑफ एन ओपन बैटल। जो पार्टी की हाई कमांड था, उसने क्या बोला था? उसने वो चाहता था कि जो बैटल है, जो युद्ध होने वाला है, वो पोस्टपोन हो जाए कुछ टाइम के लिए। अगला देखना, टेक्स आफ्टर, ये मैंने बता दिया आपको, इसका मतलब होता है की तरह दिखना। तो रिसेम्बल, रिसेम्बलेंस मैंने आपको बताया था, रिसेम्बलेंस के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह अपने फादर की तरह दिखता है, तो ही हैज़ अ रिसेम्बलेंस टू हिज फादर, ठीक है। तो टेक्स आफ्टर यानी क्या होता है? रिसेम्बल होना। मेड नो बोन्स अबाउट यानी कोई हड्डी ना होना। देखो, जिसके अंदर कोई हड्डी नहीं है तो वो छत पे से भी कूद जाएगा तो उसे डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी हड्डी टूटेगी नहीं, तो वो छत पे से कूदने में भी झिझकेगा नहीं। और झिझकने को बोलते हैं हेजिटेशन, तो डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन, ठीक है। अगला देखना, हेड्स विल रोल, मतलब अगर मान के चलो आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपका झगड़ा हो गया आपके बॉस से, तो आपका बॉस बोलेगा बेटा तू सर के बल आएगा मेरे पास, नहीं तो तेरे को मैं क्या दूंगा? दंड दूंगा। तो हेड्स विल रोल का मतलब क्या होता है? दंड लेना, दंड सहन करना, पनिशमेंट देना। अब इसमें देखना, कोई सा इसमें पनिशमेंट से रिलेटेड कौन सा है? ट्रांसफर विल टेक प्लेस, नहीं, हेड्स विल कट ऑफ, गर्दन थोड़ी काट देंगे। अगला देखना, पीपल विल डाई, मारेंगे भी नहीं। डिसमिसल विल अकर, मतलब आपको सेवा से हटा सकते हैं, आपको डिसमिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, डिसमिस कर देना। मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, ठीक है, मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है अपनी गलती स्वीकार कर लेना। कन्फेस विदाउट रिजर्व, मतलब कोई भी चीज़ उनको नहीं छुपाना और अपनी गलती सारी की सारी बता देना। इसको पढ़ के भी देख लेना, पॉज करके, तो आपको समझ में आ जाएगा इसको, ठीक है। अगला देखना, टू कीप अप यानी बरकरार रखना। कीप अप का मतलब क्या होता है? बरकरार रखना। इसका मतलब होता है टू बी ऑन पार, टू बी ऑन पार का मतलब भी क्या होता है? बरकरार रखना। सी ट्राइज वेरी हार्ड टू कीप अप विथ हर रिच नेबर्स, उसने अपने रिश्तों को अपने अमीर लोगों के साथ बनाने की बहुत कोशिश
करती है, तो टू बी ऑन पर यानी बराबरी से बनाए रखना, बरकरार बनाए रखना। ये देखना, सोइंग वाइल्ड ओट्स, ठीक है, तो सो यानी क्या होता है, बोना, वाइल्ड ओट्स यानी जंगली ओट्स, बोना, तो इसका मतलब होता है इररिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन योर एज, यंग एज, मतलब फालतू की चीज़ों का आनंद उठाना आपकी यंग एज में। जैसे कि अभी आप क्या कर रहे हो, अगर आप छोटे हो और आप टिकटॉक बना रहे हो 12 12 13 13 साल के, तो आप फालतू की चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, इररिस्पॉन्सिबल हैं वो चीज़ें, फालतू का आनंद है जो आपको कभी भी मदद नहीं करेगा। स्टैंड ऑफिश, स्टैंड ऑफिश का मतलब होता है इनडिफरेंट, ठीक है, उदासीन हो जाना, इनडिफरेंट, स्टॉइक, स्टॉइक यानी भी होता है उदासीन हो जाना, ठीक है, कड़ी मेहनत करना, उदासीन हो जाना भी होता है, ठीक है, स्टैंड ऑफिश यानी होता है इनडिफरेंट। ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, सॉरी, ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, इसका मतलब होता है अपनी, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, ठीक है, या अपनी शेगी की बात करना, अपनी शेगी बगारना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो, प्रेजिंग योर ओन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स, केवल अपनी अपनी बातें करना, अपनी अचीवमेंट्स को बताना, अपनी टैलेंट को बताना, अपनी योग्यता के बारे में बताना। अगला देखना, एन एक्स टू ग्रैंड, इसका मतलब होता है अपना प्राइवेट उद्देश्य, जो आपका पर्सनल उद्देश्य है उसको निकलवा लेना, मतलब एन एक्स टू ग्रैंड यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। एंड ओपन बुक, इसका मतलब होता है एक खुली किताब की तरह होना, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका वन दैट हैड्स नो सीक्रेट, जिसका कोई भी सीक्रेट नहीं है, जो खुली किताब की तरह है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, एन ओपन बुक यानी खुली किताब, यानी जिसका कोई सीक्रेट ना हो। ये देखना, रीड बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब होता है हिडन अर्थ समझना, ठीक है, हिडन मीनिंग समझना किसी का, अंतर्निहित अर्थ समझना, तो लुकिंग फॉर मीनिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड, ऐसे मीनिंग्स को समझने की कोशिश करना जो नहीं दर्शाए जाते, मतलब निहित, अंतर्निहित ज्ञान की प्राप्ति करना। टू गिव द डेविल टू सॉरी टू गिव द डेविल हिज ड्यू, ठीक है, तो देखो, डेविल, डेविल का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति, ठीक है, और तो टू गिव द डेविल हिज ड्यू, मतलब डेविल को उसका बकाया चुका देना, तो इसका मतलब होता है कि अपने एनिमी को आप एनकरेज करो, मतलब प्रोत्साहित करना, अपने दुश्मन को प्रोत्साहित करना, इसका मतलब हो जाएगा टू गिव द डेविल हिज ड्यू। देखो, समटाइम्स, कभी कभी इट हैपन्स दैट, यह अक्सर ऐसा होता है कि हमें अपने दुश्मन को भी एनकरेज करना पड़ता है, ठीक है, टू गिव एनकरेजमेंट इवन द एनिमी या टू गिव द डेविल हिज ड्यू। ओके, इन्हें याद कर लेना।